Hello students, so today I am going to start a new chapter, that is demand analysis. This is the third chapter of your 12th economics new syllabus, and which covers more than 25 marks in your board paper out of 80 marks. Okay, so aaj hum sikhenge demand kya hota hai. Aaj lecture ke end mein aapko bataunga ki demand ka meaning. लेक्चर के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि डिमांड का मतलब क्या होता है, और इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है. ये तीनों चीज इस लेक्चर में हम सीखेंगे. ओके, सो डिमांड तो आपने सुना ही होगा. व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड. मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूं, जरा आप सोचिए कि आपके सेंस में डिमांड का मीनिंग क्या है. ओके, सो डिमांड का मीनिंग है, डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे. जी हाँ, डिमांड का मीनिंग ये तीन वर्ड से कंप्लीट होता है, दैट इज डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस. बहुत लोगों को डिमांड मतलब सबसे पहले डिमांड करता कौन है, कंज्यूमर. जब कंज्यूमर डिमांड करता है तो प्रोड्यूसर उस चीज को मार्केट में लेके आता है, सप्लाई करता है, और जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है उसका ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी सप्लायर्स बढ़ा देते हैं, और जिस चीज की डिमांड कम हो जाती है उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम होता है. तो डिमांड का प्राइस से काफी लेना देना है, और डिमांड करता कौन है, कंज्यूमर्स. देखिए ये चैप्टर बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये 3 और 4 चैप्टर पूरा डिमांड के ऊपर ही है, तो इट टेक्स मोर देन 4 to 5 सेशंस टू कंप्लीट दिस चैप्टर. बट इक्वली ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, मतलब आपके बोर्ड पेपर के 30 to 40% मार्क्स सिर्फ इस 3rd और 4th चैप्टर से आने वाले हैं. तो मैं इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस दूंगा कि आप सबसे पहले ये चैप्टर पूरा पढ़ के ले लीजिए. ओके, सो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि डिमांड मतलब क्या, डिमांड मतलब उनको लगता है कि डिमांड मतलब वांट्स, हमारी जो जरूरतें हैं वही तो डिमांड है. अगर देखा जाए तो मेरी जरूरतें तो बहुत है. मेरी जरूरतें क्या है, मुझे एक बंगलो चाहिए जो बीच के किनारे, मुझे एक ऑडी कार चाहिए, मुझे आईफोन 11 चाहिए. मेरे डिमांड्स बहुत है. ये डिमांड नहीं, ये वांट्स है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिजायर है. बहुत लोग बहुत सारे सपने देखते हैं, उस सपने में वो लोग सोचते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए. ये सब उनकी इच्छा है. सिर्फ इच्छा डिमांड को कंप्लीट नहीं करता. डिमांड के साथ सबसे पहले तो आपके पास आपको उस चीज को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए. अगर इच्छा नहीं होगा तो एबिलिटी और विलिंगनेस रह के कुछ फायदा नहीं है. आपके पास सबसे पहले कोई चीज खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, दैट इज डिजायर. एक बार आपको किसी चीज को खरीदने की इच्छा हो जाती है तो फिर आप अपने पॉकेट को चेक करते हो, दैट शोज योर एबिलिटी, आपकी हैसियत, क्या आप उस चीज को खरीद सकते हो. तो एबिलिटी जो है वो आपके पैसे को दर्शाता है, वो आपके पॉकेट को दर्शाता है. और विलिंगनेस, कभी कभी हमारे पास किसी चीज को खरीदने की इच्छा भी होती है और हमारे पास पैसे भी होते हैं, मतलब पॉकेट में पैसे भी है, लेकिन कभी कभी हम उस चीज को खरीदने के लिए विलिंगली रेडी नहीं होते. जैसे कि सपोज मैंने कोई फोन लेने गया, मैंने आईफोन लेने गया, और वो आईफोन अराउंड 80,000 का,
तो मुझे आईफोन खरीदने की इच्छा है, डिजायर है, और शायद मेरे पास पैसे भी है, एबिलिटी भी है, बट एट अ सेम टाइम मैं सोचने में मजबूर हो गया। मतलब सोचना मतलब विलिंगनेस आपके मन को दर्शाता है, ये आपके दिमाग को दर्शाता है कि आप डिसीजन कैसे लोगे। मैंने सोचा कि यार 80,000 में इसमें डालने से अच्छा मैं काम करता हूँ, 15-20,000 का एक स्मार्टफोन ले लेता हूँ और 60,000 को मैं कहीं और पे इन्वेस्ट करता हूँ, किसी और चीज को खरीदता हूँ। देखो यहाँ पे आईफोन के लिए डिमांड जनरेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मुझे उस आईफोन को खरीदने की डिजायर तो थी, एबिलिटी भी थी, मतलब मेरे पास पैसे थे, बट मैं विलिंगली रेडी नहीं था। तो यस, डिमांड को कंप्लीट करने के लिए तीनों चीज का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। मैंने इसका एक शॉर्टकट बनाया है, DAW, दैट इज DAW, डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। तो ये डिमांड का मीनिंग है, अच्छे से याद रखिए, डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द डिमांड। ओके, सो डिमांड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ये क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश की तरह भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर डिफाइन करके भी पूछ सकते हैं। तो ये दोनों मैं आपको एक डिस्टिंग्विश की तरह पढ़ा देता हूं। देखिए इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग क्या है, व्हेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। सो व्हेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन एट पर्टिकुलर प्राइस एंड एट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। ओके, मार्केट डिमांड का भी मीनिंग देख लेते हैं, व्हेन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज मार्केट डिमांड। तो यहां पे देख सकते हैं इन दोनों के मीनिंग में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, यहां पे इंडिविजुअल पर्सन लिखा है और मैंने यहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिखा है। सो क्लियर विद द मीनिंग, इंडिविजुअल डिमांड मींस डिमांड मेड बाय वन पर्सन और मार्केट डिमांड मींस डिमांड मेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल प्रेजेंट इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, बिकॉज कंज्यूमर एक समय पे एक प्राइस को लेके रिएक्ट करता है। नेसेसिटीज के टाइम पे ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे वो प्राइस को नहीं देखता, लेकिन इमरजेंसी के अलावा किसी और रीजन में जब वो किसी चीज को खरीदने जाता है तो वो प्राइस को बहुत अच्छे से देख के कमोडिटीज को खरीदता है। तो यहाँ पे प्राइस का भी कंसर्न हमें लेना है। ओके, चलो हम देखते हैं इसके शेड्यूल क्या है, हमें देखना है शेड्यूल एंड डायग्राम, शेड्यूल एंड डायग्राम। तो शेड्यूल क्या कहता है, यहां पे हम लिखेंगे प्राइस
ऑफ एप्पल्स पर केजी, और यहां पे हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड इन केजीज किलोग्राम्स। मिस्टर ए के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। मिस्टर ए काफी कंजूस था, उसका बिहेवियर कुछ ऐसा था कि जब प्राइस ज्यादा होता था वो कम खरीदता था, और जब प्राइस कम होता था तो वो ज्यादा खरीदता था। प्राइस कम होने से उसकी एबिलिटी बढ़ जाती थी खरीदने की, इसलिए वो ज्यादा डिमांड करता था। इट मींस उसकी इच्छा बहुत ज्यादा थी खरीदने की, लेकिन वो कम खरीदता था क्योंकि उस प्राइसेस ज्यादा होते थे। अब जैसे कि एप्पल्स खरीदने गया मार्केट में, और उस दिन एप्पल्स का प्राइस था 50 रुपीज पर केजी, तो उसको लगा अरे एप्पल तो बहुत महंगा है, तो उसने सिर्फ 1 केजी खरीदा। एक दिन एप्पल खरीदने गया, उस दिन एप्पल्स था 40 रुपीज पर केजी, तो उसने 2 केजी खरीदा। एक दिन एप्पल खरीदने गया, उस दिन था एप्पल का प्राइस 30 रुपीज पर केजी, वो खुश हो गया और उसने 3 केजी खरीदा। और एक दिन एप्पल खरीदने गया, उस दिन एप्पल का प्राइस था 20 रुपीज पर केजी, और उसने 4 किलोग्राम खरीदा। और एक दिन तो कुछ अलग ही हो गया, एप्पल का प्राइस 10 रुपीज हो गया, इतना कम हो गया, और वो इतना खुश हो गया कि उसने 5 केजी खरीदा। उसने सोचा कि मैं भी खाऊंगा, बाजू वाले को भी खिलाऊंगा। इस तरह से देखो हम देखते हैं कि जब प्राइस ज्यादा था, जब प्राइस ज्यादा था तो डिमांड कम था, लेकिन जैसे ही प्राइस कम होने लगा डिमांड बढ़ने लगा। तो यही एक प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें मिस्टर ए का बिहेवियर, देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी, और एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे क्वांटिटी डिमांड ऑफ एप्पल्स। ओके, प्राइस में कितने का गैप है? 10 के बाद 20, 30, 40, 50, मतलब 10 का गैप है, तो हम 10 का ही गैप लेंगे, 10, 20, 30, 40 एंड 50। डिमांड में कितने का गैप है? 1 का गैप है, तो 1 का ही गैप लेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, चलो जब प्राइस 50 था तो वो कितना डिमांड करता था? 1। प्राइस यहां पे है वाई एक्सिस पे, 50 था तो 1 मतलब यहां पे आएगा। जब प्राइस 40 था तो वो कितना डिमांड करता था? 2। जब प्राइस 30 था तो वो कितने का डिमांड करता था? 3। जब प्राइस 20 हुआ तो वो 4 केजीज डिमांड करता था, और जब प्राइस 10 हो गया तो वो सबसे ज्यादा 5 केजीज डिमांड करने लगा। इन सारे एक डॉट बना लीजिए, और सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक स्केल से लाइन निकाल लीजिए, और इस लाइन को हम कहेंगे डीडी कर्व, दैट इज डिमांड कर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीडी कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो डीडी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये है इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग, शेड्यूल एंड डायग्राम। मार्केट डिमांड का मीनिंग आपको क्लियर है? व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम, सेम मीनिंग है, सिर्फ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मैंने ऐड कर दिया है। अब इसका भी हम शेड्यूल देख लेते हैं। अब मार्केट में कोई एक इंसान तो रहेगा नहीं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो लेट्स अज्यूम कि मार्केट में उस दिन सिर्फ 3 जन प्रेजेंट थे, इंक्लूडिंग मिस्टर ए, मिस्टर बी भी था, मिस्टर सी भी था। तो देखते हैं हम शेड्यूल। अब फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ एप्पल्स, और यहां पे हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड ऑफ एप्पल्स। प्राइस ऑफ एप्पल्स, डिमांड ऑफ एप्पल्स। अब यहां पे हमें मार्केट में सिर्फ कोई एक तो नहीं रहेगा, यहां पे हमें 3 जन का बिहेवियर देखना है। चलो देख लेते हैं।
मिस्टर ए का जो जिसका हमने देखा अभी, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अज्यूम करते हैं कि उस दिन मार्केट में ये तीनों प्रेजेंट थे, सिर्फ ये तीन जन ही थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। इन तीनों के डिमांड को आप प्लस कर दोगे तो पता चल जाएगा आपको क्या है टोटल मार्केट, आपको पता चल जाएगा मार्केट डिमांड। चलिए, प्राइस ऑफ एप्पल्स क्या है, 50, 40, 30, 20 एंड 10। मिस्टर ए का बिहेवियर कैसा था कि वो 50 पे सिर्फ 1 केजी खरीदता था, 40 पे 2, 30 पे 3, 20 पे 4 और 10 पे 5, जैसा कि यहाँ पे है सेम। लेकिन मिस्टर बी थोड़ा पैसे वाला था, वो पैसे प्राइस को लेके ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था, इसीलिए उसने 50 रुपीज जब एप्पल का प्राइस था तो वो 2 केजी खरीदता था, 40 हुआ तो 3, 30 हुआ तो 4, 20 हुआ तो 5 एंड देन 6। मिस्टर सी थोड़ा और पैसे वाला था तो उस वो 3 केजी खरीदता था, 4, 5, 6 एंड 7। अब इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में मार्केट डिमांड कितना था। 1 + 2 + 3 becomes 6, 2 + 3 + 4 becomes 9, 3 + 4 + 5 becomes 12, 3 + 5 + 6 becomes 15 एंड 7 + 6 + 5 becomes 18। देखिए यहाँ पे 3 का टेबल बन गया है तो आपको डायग्राम बनाने में भी एकदम आसानी हो सकता है। चलिए हम डायग्राम देखते हैं, अगेन आपको वैसा ही डायग्राम बनाना है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा क्वांटिटी डिमांड ऑफ एप्पल्स और ये हमारा प्राइस। देखिए प्राइस में सेम उतने का ही गैप है 10 का, तो आप 10 का स्केल ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50 क्वांटिटी डिमांड में। अब यहाँ पे मार्केट डिमांड का बनाना है, आपको इंडिविजुअल नहीं बनाना है, टोटल मार्केट डिमांड का बनाना है। तो यहाँ पे हम कितने का गैप लेंगे, 3 का ले लें, चलिए 3 का ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। चलो जब मार्केट में प्राइस एप्पल्स का 50 था तो डिमांड कितना था, 6। तो जब 50 था तो डिमांड था 6, 40 हुआ तो 9, 30 हुआ तो 12, 20 हुआ तो 15 और 10 हुआ तो 18। अगेन आपको सेम कर्व मिलेगा, डीडी कर्व, इन सारे डॉट्स को टच करते हुए कर्व बनाओगे, डीडी कर्व। तो ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, मीनिंग शेड्यूल एंड डायग्राम, मीनिंग शेड्यूल एंड डायग्राम। अगर समझ जाइए, अगर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का शॉर्ट नोट्स आ गया, गिव रीजन आ गया या डिफाइन आ गया या तो फिर डिस्टिंग्विश आ गया, तो आपको यही मैटर लिखना है, थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा, थोड़ा आपको शेप बदलना होगा कहीं पे, आपको डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है अगर शॉर्ट नोट्स आ रहा है तो। समझिए अगर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको एक्सिस के बारे में एक्सप्लेन करना है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांड, वेयर एज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वी कैन सी द डायग्राम कि व्हेन द प्राइस वाज 50 द डिमांड फॉर इट वाज 6, बट व्हेन प्राइस रिड्यूसेस टू 10, डिक्रीजेस टू 10, द डिमांड इंक्रीजेस to 18 and hence there is a inverse relationship between price and demand. Inverse relationship मतलब price अगर ऊपर जाता है तो demand नीचे और अगर price नीचे जाएगा तो demand ऊपर, तो इसे हम कहते हैं inverse relationship। यहाँ पे price और demand में inverse relationship है, इसलिए hence therefore demand curve slopes downward from left to right। ये चार पॉइंट में आपका इतना कम से कम एक्सप्लेनेशन डायग्राम का होना ही चाहिए। तो आज हमने क्या क्या सीखा, मीनिंग ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। अब अगले लेक्चर में मैं आपको डिमांड के आगे वाले टॉपिक सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।